श्रद्धा वॉल्कर की जिस निर्ममता से हत्या कर दी गई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ आरोपी आफताब के खिलाफ गुस्सा है। इसी बीच शनिवार को महाराष्ट्र के वसई में एक नवविवाहित हिंदू मुस्लिम जोड़े की शादी का रिसेप्शन रुकवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक वसई में स्थानीय धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद इस रिसेप्शन पर रोक लग गई। 27 साल की श्रद्धा पालघर के वसई की रहने वाली है, जिसकी हत्या करके आरोपी ने 35 टुकड़े कर दिए थे। रिसेप्शन का मामला उस समय तुल पकड़ने लगा जब सुदर्शन न्यूज के एडिटर ने शुक्रवार को समारोह के आमंत्रण पत्र की एक फोटो ट्वीट कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे लव जिहाद और आतंकवादी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे श्रद्धा हत्याकांड से जोड़ दिया। एडिटर ने ट्विटर पर हैशटैग लव जिहाद ट्रेंड करवाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि रविवार को एक सभागार में हिंदू मुस्लिम जोड़े की शादी का रिसेप्शन होना था। ट्वीट वायरल होने के बाद स्थानीय हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने हॉल के मालिक को फोन किया और रिसेप्शन रुकवाने के लिए कहा। पुलिस का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इलाके में शांति बनी रहे। मणिपुर पुलिस के मुताबिक अगर ये रिसेप्शन नहीं रुकवाई जाती तो वसई इलाके में कोई अनहोनी होने की आशंका थी, इसलिए रिसेप्शन को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। पुलिस ने बताया कि हिंदू मुस्लिम जोड़े ने परिवार की सहमति से 17 नवंबर को कोर्ट मैरिज की थी। 29 साल की महिला हिंदू है जबकि उसका पति मुसलमान है। दोनों पिछले 11 साल से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति के परिवार के लोग शनिवार को मानिकपुर पुलिस स्टेशन आए और बताया कि रिसेप्शन को फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल 28 साल के आफताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया था और उसके 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए थे। दोनों 2019 से रिलेशनशिप में थे। आफताब ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि उसने पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा का चेहरा जला दिया था। पुलिस को अब तक 13 टुकड़े मिल चुके हैं। इसकी फॉरेंसिक और डीएनए जांच होनी है।